अभिनंदन अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड, हम लोग आज बात करेंगे यूजीसी के क्रम में यूनिट 3 की चर्चा हम लोग डेली दर कर रहे हैं, और जिसमें आज हम लोग बात करेंगे पंडिता रमाबाई की। पंडिता रमाबाई के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंडिता रमाबाई एक महिला समाज सुधारक थी। कोई राजनैतिक विचारधारा से प्रेरित कोई राजनैतिक दर्शन इन्होंने नहीं दिया था। यह मुख्य रूप से समाज सुधारक महिला थी, और जो इनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो बेसिकली कलकत्ता, मुंबई, USA, कनाडा, यही रहा, और इन्हीं क्षेत्रों में अपना काम, अपना योगदान दिया। और समाज सुधार के क्षेत्र में जो सामाजिक मुद्दे महिलाओं के अधिकार को लेकर रहे, महिलाओं की शोषण को लेकर रहे, समाज की रीतियों और कुरीतियों को लेकर रहे, उस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया। और ये सारे धर्मों को एक समान मानती थी और सारे धर्मों की कद्र करती थी, और हिंदू धर्म की जो कुरूतियाँ थी उसको इन्होंने उजागर किया, और उजागर करके उस पर प्रबल प्रवाह प्रहार किया, और उस प्रहार के माध्यम से समाज को सुधारने के लिए विशेष योगदान दिया। इनके जो जीवन दर्शन की बात कर लें तो एक ब्राह्मण परिवार में ये पैदा हुई थी, और उसी में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बड़ा करीब से देखा था। तो जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हिंदू समाज पलता पूछता और फलता है, उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया, और उसी विरोध पे पूरा का पूरा दर्शन लिख लिया। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली जिसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू, कि उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हिंदू हाई कास्ट का है। उसी के हिसाब से इन्होंने जो है एक पत्रिका निकाली, और इन्होंने प्रथम नारीवाद मुक्त आंदोलन की प्रणेता के रूप में, ध्यान रहे प्रथम भारतीय नारीवाद प्रणेता हैं, ये पाश्चात्य नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रथम नारीवाद प्रणेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने जो अपना विवाह किया था ये एक शूद्र से किया था, और वो पेशे से वकील थे, और उसी वकील से प्रभावित होकर इन्होंने एक शूद्र जाति में विवाह किया, और राजनैतिक पृष्ठभूमि में उन्हें आर्य महिला समाज की स्थापना की। आर्य महिला समाज जो बेसिकली महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता है, उसमें महिलाओं के शिक्षा के लिए, महिलाओं के सामाजिक प्रगति के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य के पूरा करने के लिए इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। और ईसाई मशीनरियों से ये काफ़ी प्रभावित थी, ईसाई मशीनरी से काफ़ी प्रभावित थी, और इनको जब हंटर कमीशन, हंटर आयोग 1982 में भारत आया, तो रमाबाई ने हंटर कमीशन के आगे स्त्रियों के लिए ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था की मांग की कि जिसमें स्त्रियां अध्यापिका या नर्स या डॉक्टर या स्त्रियों के समाज सेवा के लिए जो भी उपयुक्त कार्य है उसके लिए अंग्रेज सरकार एक अतिरिक्त व्यवस्था दे, और स्त्रियों को पूरी तरह शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए, इसकी मांग इन्होंने हंटर कमीशन के सामने रखी थी। और उनका इसका एक लॉजिक दिया कि स्त्रियों के अंदर जो सेवा भाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ममत्व की जो भावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने जो है स्त्रियों के सेवा संबंधी रोजगार और सेवा संबंधी प्रशिक्षण की बात कही थी। आगे आनंदीबेन इनकी कजिन सिस्टर थी और उनसे ये काफ़ी प्रभावित थी, लेकिन आनंदीबेन की मृत्यु के बाद अंदर से जो है ये बड़ा अपने आप को कमज़ोर और असहयोगी महसूस करने लगी थी, चूँकि वही एक ऐसी महिला थी जो इनका हर स्तर पे समर्थन करती थी। और इसके बाद ये फिर अमेरिका चली गई, और अमेरिका गई और 1886 में अमेरिका में भारत की पहली महिला डॉक्टर जो आनंदीबेन थी, वो अमेरिका में भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, और अपने चचेरे भाई आनंदीबेन जोसेफ से स्नातक समारोह में शामिल होने का इनको अवसर मिला। और जब उस स्नातक समारोह में ये शामिल हुई तो मित्रों उनको पाश्चात्य संस्कृति के दर्शन दिखे, पाश्चात्य संस्कृति में जो महिलाओं की स्थिति थी, महिलाओं का जो अवेयरनेस था, महिलाओं की जो भागीदारी थी वो इन्होंने देखा, और जब इस भागीदारी को देखा
तो वह भारत वापस आई और उसी भागीदारी को भारतीय समाज में स्थापित करने के लिए पूरे जीवन संघर्षरत रही और उसी संघर्षरत जीवन में इन्होंने आगे चल के ब्राह्मण महिलाओं से, मुख्य रूप से विधवाओं से, अविवाहित लड़कियों से आवासीय विद्यालय प्रदान करने के लिए शारदा सदन नाम का एक संस्था स्थापित की, जिसे शारदा सदन या शारदा एसे डान के नाम से भी जाना जाता है। तो शारदा सदन बेसिकली वो संस्था जो थी इसीलिए स्थापित की। और मैं आपको बता दूं, ये संस्था बम्बई में थी, इसका ध्यान रखिएगा। ये संस्था का जो मुख्यालय था, जो संस्था स्थापित की गई थी, बम्बई में की गई थी, और की गई थी ये 1889 ईस्वी में। और इसमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए पुनर्वास की व्यवस्था, प्रशिक्षण की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था के लिए स्थापित की गई थी। और 1989 में जब पुणे में अकाल पड़ा तो सरकार ने इस आश्रय स्थल को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा महिलाएं यहाँ हो गई, तो सरकार को ये डर लगने लगी कहीं ना कहीं महिला आंदोलन यहाँ से आगे निकल सकता है, इसीलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया। बाद में खैर इस संस्था पे से प्रतिबंध हटा लिए गए। ये इनका विशेष प्रावधान रहा। नारीवाद प्रचलन के अंतर्गत इन्होंने नारियों के प्रशिक्षण में सिलाई कढ़ाई बुनाई फिंसिंग सफरिंग इस टाइप से काम की, और नारीवादी प्रचलन में इन्होंने नारियों को जो नैतिक क्रिया है, उस नैतिक क्रिया इन द सेंस खाना बनाना, परिवार की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, इस नैतिक क्रिया का कहीं विरोध नहीं किया है। हाँ ये है कि विधवा विवाह और उच्च जाति की महिलाओं को जो समाज में विधवा होने के नाते दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं प्राप्त था, उन्हें सती होने के लिए मजबूर किया जाता था, उसका इन्होंने घोर विरोध किया और सबकी सेवाओं के साथ यह स्थापित करने का प्रयास किया कि महिला की जिम्मेदारी सिर्फ घर में सेवा करके और बच्चे पैदा करना नहीं है, उसके अतिरिक्त समाज में आगे निकल के सामाजिक सेवाओं में योगदान देना और पुस्तक लिखना पढ़ना भी उनके अधिकार क्षेत्र में आएगा। और इसी के लिए उन्होंने जो है ये आंदोलन नारियों पे दिया। अच्छा, पंडिता रमाबाई का जो मिशन था शारदा सदन, अगर मैं उसकी बात करूं तो आज भी वो सक्रिय है, और आप कभी बम्बई जाने का अवसर मिले तो आज भी वहाँ आप जाएंगे तो विधवाओं को, अनाथों को, विकलांगों को, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको चिकित्सीय सुविधाएं, चिकित्सीय शिक्षाएं और महिला संबंधी सिलाई कढ़ाई बुनाई के प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में आज भी पुणे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस संस्था का संचालन करती है, और जिसके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, रूढ़वादी परंपरा का विरोध किया जाता है। तो ये इनका दर्शन रहा। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें एक कैशरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये इसमें नहीं मिलेगा आपको पीडीएफ में। तो 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको कैशरे हिंद की उपाधि दी गई थी, और इसी उपाधि को लेके ये काफ़ी उत्साहित भी रही, और इन्होंने शास्त्र धर्म राजनीति एक रचना लिखी थी, उसको भी नोट कर लीजिएगा, शास्त्र धर्म और नीति 1882 में। आपको पहले ही बताऊँ, उच्च जात की हिंदी स्त्री ये 1888 में लिखी, और यही में आगे चल के इन्होंने 1882 में महिला आर्य समाज की जो स्थापना की, वो आर्य समाज महिलाओं को बंधन से ऊपर उठा के और प्रशिक्षण का कार्य किया। इनका एक और मत था, इनका मत ये था कि जो शिक्षा की व्यवस्था है वो पुरुष प्रधान है, जो तकनीकी की व्यवस्था है वो पुरुष प्रधान है, तो महिलाओं के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उसका अलग सिलेबस होना चाहिए, अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, और उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से उनको प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे समाज में वो एक अच्छी सेवक के रूप में, एक अच्छे सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें। क्योंकि इनका ये मानना था कि पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं उपेक्षित हैं, और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए हमको महिला को सबल बनाना है, सशक्त बनाना है और प्रशिक्षित करना है। और पूरे जीवन काल में इन्होंने पितृसत्तात्मक संस्था का, पितृसत्तात्मक राज्य का विरोध किया। निष्कर्ष के रूप में देखें तो पंडिता रमाबाई का योगदान
चार पांच क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको क्रम से नोट कर लें फ्रेंड्स। पहला कि ये प्रथम नारी मुक्तवादी आंदोलन की प्रेरिता रही। दूसरा, इन्होंने 1889 में हिंदू उच्च जात के विधवाओं के लिए पुनर्वास की व्यवस्था के नाम से एक संस्था स्थापित की, जिसको शारदा सदन के नाम से जाना जाता है, जो आज भी महाराष्ट्र में सक्रिय है। तीसरी चीज, 1882 में रमाबाई ने हंटर कमीशन के आगे महिलाओं के तकनीकी प्रशिक्षण की मांग रखी थी। चौथी चीज, इन्होंने 1919 में ब्रिटिश राज द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और पांचवी चीज, इन्होंने अपने जीवन काल में दो प्रमुख रचनाएं रची लिखी। पहली थी शास्त्र धर्म और नीति 1882 ईस्वी में, दूसरी थी उच्च जात की हिंदू स्त्री 1888 ईस्वी में। और जो इनका आर्य समाज बना वो भी हंटर कमीशन के पैरलर था। याद रखिए कि जैसे हंटर कमीशन 1882 में आया और उसी टाइम इन्होंने उसके सामने तकनीकी प्रशिक्षण की मांग रखी, और उसी समय 1882 में इन्होंने महिला आर्य समाज की स्थापना कर दी। तो ये दो चीज़ें पंडिता रमाबाई में आपको पैरलर मिलती हैं। बाकी क्रम की बात कर लें तो पहले आर्य समाज बना, फिर हंटर कमीशन आया, फिर शारदा सदन बना, और उसके बाद इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि मिली। तो ये चारों चीज़ों क्रम से आपको मिल जाएंगे। इस तरह ये रमाबाई का पूरा राजनैतिक दर्शन रहा फ्रेंड। इसी के साथ ही रमाबाई समाप्त होती हैं। जय हिंद।